मतलब उस चीज का खेती हुआ है जो ये रहा फिलहाल, कुछ ऐसा रहा। इसको बोने में बहुत ही मेहनत लग रहा है, ऐसे कुछ देखने में लग रहा है। ठीक है, हम लोग गाना खींचे हुए ये देखो भाई, यूपी और बिहार का बॉर्डर जो हम लोग अभी फिलहाल पार कर चुके हैं। तो मत बवाल है भाई, ये मुख नहीं लग रहा है, चीनी डुबाया है उसमें। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। तो फिर से आ चुके न्यू वीडियो के साथ एंड फ्रेश वीडियो के साथ। तो भाई आज जा रहे हैं हम अपने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने। तो देखो भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो इसके वजह से इतना हम लोग साल लेकर और पूरा का पूरा मुंह अपना ढक के जा रहे हैं भाई। शीत गिर रहा है, लग रहा है कि मुंह जला देगा। तो भाई ये जा चुके हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गाँव में, तो यहीं से हम लोग गुजरते हुए जाते हैं और यही रास्ता चल जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। मेरा पहुंच गए लो, और कसम से बता देना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है यार। जितना ठंडा है ना पूछो मत, मतलब मौसम तो साफ है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा रहा है। चलो जाम से तो निकल गए, हम जा रहे हैं लो सीधा कॉलेज की साइड। बहुत ही लेट हो चुका है भाई, वहाँ पे 10 मिनट लग गया जाम, बहुत तगड़ा जाम हो गया भाई। आज भी थोड़ा सा लेट हो चुका है, हम लोग अभी यहाँ पे है लो, यहाँ से 5 मिनट लगेगा जाने में, तो अभी कॉलेज की साइड निकलेंगे लो। काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है और इसके चलते गाड़ी भी नहीं चल पा रहा है उतना तेज में, मतलब कि बताओ मत ये पहनने पर ऐसे तो एक्चुअली जोकर लग रहा है। One eternity later. फाइनली छुट्टी भी हो गया और सबको यार है, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा छुट्टी हो चुका है, पूरा माहौल बन गया है। तो आप पेपर कैसे मिला तुम्हारा जी? अरे तन तन तो सही है, चल जाता भाई। देखो पूरा खतरने के बाद का माहौल, देखो पीछे देखो गाड़ी कितना आ रही है, पूरी सब फुल स्पीड में आ रही है सब। अल्लाह का नाम तो आप सुनेंगे, बनाना मतलब उस चीज़ का खेती हुआ है जो ये रहा फिलहाल, कुछ ऐसा रहा। इसको बोने में बहुत ही मेहनत लग रहा है, ऐसे कुछ देखने में लग रहा है। ठीक है, ये देखो भाई कुछ ऐसे बनाना का खेती हुआ है यहाँ पे, मतलब ये कम से कम 1 बीघा होगा खेत, इतना दूर में ये खेती हुआ है, ऐसे देख के अंदाजा लग रहा है ये पूरा का पूरा बनाना का खेती हुआ है भाई। देखो कितना शानदार लग रहा है ना, अगर ऐसा होगा पूरा बड़ा बड़ा तो ऐसे एक अलग ही माहौल हो जाएगा इसका, क्या बोलते हैं, अगर इसमें किसी को कुछ मार उड़ के फेंक दे तो पता चलेगा इसमें जैसे ये पूरा हो जाएगा। तो क्योंकि जिस तरह ये दिख रहा है ना भाई, लाइन बाई लाइन ऐसे केला केला और गन्ना का खेती इधर ज़्यादातर होता है यूपी साइड में भाई। एक और दिखाते हैं, आगे चलेंगे तो दिखाएंगे वहाँ पे पूरा का पूरा केला का खेती हुआ है। तो अभी पूरा का पूरा इधर केला का खेती हुआ है, दिख रहा है सामने, ये देखो भाई पूरा का पूरा केला इसमें हुआ भी है, केला ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। देखो ये इस साइड देखो, दिख रहा है ये बनाना पूरा, इस जंगल के पीछे देखो तो पूरा का पूरा केला की खेती हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से देखो भाई पूरा केला की खेती हुआ है। ये ऐसे कुछ करके इधर केला की खेती होता है, बहुत मतलब खतरनाक होता है, और गन्ना का भी खेती होता है। इधर पहुँचने वाले हैं लोग, क्योंकि हमको लोग असाइनमेंट लेना है, तो असाइनमेंट लेंगे लोग, यहाँ अभी छुट्टी हो चुका है, तो चलो भाई आ चुके हैं लोग। असाइनमेंट ले लिया लो, असाइनमेंट तो ले लिए लो, लेकिन इसका क्वेश्चन पेपर ग्रुप में नहीं है, हम लोग ग्रुप में नहीं है। हाँ हम लोग ग्रुप में होते तो कोई टेंशन नहीं होता, विकास भैया से बोले कि जोड़ दीजिए, बट जोड़े ही नहीं। असाइनमेंट का कॉपी जो था तो ले लिए लो, लेकिन अब लिखने का वो हो गया, कौन लिखेगा भाई 1000 वर्ड में लिखना है एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन है एक कॉपी में, और हम लोग का कॉपी 3 है, मतलब कि 6000 वर्ड लिखना पड़ेगा भाई। चलो लिखा जाएगा, कोई ना कोई तो लिखिए देगा, हम नहीं लिखेंगे भाई, कोई कोई लिखेगा जो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। चलो चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। और आगे नहीं मिलकर अभी भी इतना ट्रैक्टर बाकी है, मतलब सुबह से है तब, तो आज सोचे हेलो ना गन्ना इसमें से ले जाएंगे लोग, मतलब चिबने के लिए। तो चलो मांगते हैं लो, देखते हैं कोई देता है या नहीं देता है। हम लोग गन्ना खींचे हुए तो भाई ये गो लेता नहीं, और तारा में से ले ली का है तो कई में से ले आओ, कोनो नीमन वाला बताओ ना, ये बोली आ जाओ पीछे से ले लेता नहीं, खींच लेता नहीं। चलो भाई, भाई ने तो बोल दिया खींचने के लिए, तो एक मुँह खींचते हैं और चिपते चलेंगे लो भाई। इसमें से खींचना ना बहुत बहुत टाइट है, खींचोगे कितना लोडेड है, चक्का नाच जा रहा है भाई। भाई इसमें से ऊँख खींचे लो, बहुत तगड़ा तगड़ा ऊँख है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, मतलब मिठाई होगा जरूर।
देखो चीनी मिल में, और आज देख रहे हैं व्हाइट धुआं है, तो हमेशा ब्लैक ब्लैक धुआं देखते हैं, आज बहुत दिन के बाद व्हाइट धुआं देख रहे हैं भाई। ये देखो भाई बहुत सारा गन्ना के हम लोग ले जा रहे हैं लोग यहाँ से मांग कर, देखो इतना मांग के ले जा रहे हैं लोग, हम खाएंगे लोग साइड जाके, पहले चलो बॉर्डर पार करते हैं लोग। ये देखो भाई यूपी और बिहार का बॉर्डर जो हम लोग अभी फिलहाल पार कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग चिभेंगे लो इसको, इसीलिए रुके लो, देखो भाई ये थर चिभ रहा है और हम भी चिभेंगे अभी, उसके बाद निकलेंगे लो फिर घर के तरफ। तो ये होता है यूपी में आने का फायदा भाई, गन्ना यहाँ पे फ्री मिलता है, ठीक है, वही बिहार में होता तो खरीदना पड़ता है ये गन्ना। गाना चिपना था चिप लिए लो, मुंह दुख गया चिपते चिपते, और देखो भर टर्न कर दिया है पूरा गाड़ी के आसपास, और अभी भी दो गन्ना उबर गया है, अभी इसको सोच रहे हैं धा दे यहाँ पे उसके बाद निकल जाते हैं लो। भाई इतना पूरा का पूरा, अगर मान लो घर होता तो इतना तो साफ करवाता लो ना। 5:30 हो गया और पूरा का पूरा अभी मतलब क्या बताए, रास्ते में ही है लो। एक चीज भाई देखो पूरा का पूरा सीध गिर रहा है इधर, मतलब पूरा ठंडा तो लग ही रहा है, ये देखो भाई कैसे सीध गिर रहा है भाई, गजब का ठंडी पड़ रहा है, और हाथ गोड़ है ना, हाथ गोड़ हालत खराब हो गया है पूरा, ये देखो भाई गन्ना का ये दाग लगा हुआ है। ठंडी की वजह से हम लोग गाड़ी का भी स्पीड बहुत कम कर रहे हैं भाई, 20-30 का स्पीड चला रहे हैं, इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है कि का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस हो चुका है भाई, अभी गूगल से देखें 16 डिग्री हो चुका है, बहुत ज्यादा मतलब ठंडा लग रहा है, लेकिन पूछो मत भाई, मतलब ये खोलते खोलते मुंह पाला हो जा रहा है, ऐसा जोकर बने हुए हैं पूरा। फाइनली घर पे आते आते 6 बज चुका है, अब घर पे आ चुका हूँ, अब मिलता हूँ रूम में जाने के बाद, भाई चला नहीं जा रहा है, ये इतना दुख रहा है पैर। आ गई है छोटी सी गुड़िया लगा गई अरे क्या महान, बहुत खच्चा लड़का है। तो भाई इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।